नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो आज का पेपर हुआ था RSM SSB का, जो LHA का है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक भर्ती का आज एग्जाम हो चुका है। तो दोस्तों, अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे आपके कैसे है, जो आपके जो नेक्स्ट एग्जाम हो गया लेबर असिस्टेंट, वुमन सुपरवाइजर एंड जो भी नेक्स्ट आने वाले एग्जाम है, उन सभी के अंदर जो आपकी GK का क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या फिर उनके सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि जो कैसे क्या क्वेश्चन आए थे विद आंसर की के, एंड माफी चाहूंगा अगर कुछ एक क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाए, तो फिर भी मैंने कोशिश की है सभी का आंसर सही देने की। तो आप सभी देख सकते हैं, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया कि जो जूनागढ़ का किला कहां पर स्थित है, एंड इसके बाद ही आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो इसका जूनागढ़ का किला बीकानेर हो जाएगा। एंड इसके बाद जो सेकंड आंसर है, सेकंड क्वेश्चन है कि जो अजरक का प्रिंट किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता ही है इजी क्वेश्चन है, बाड़मेर हो गया इसका। एंड तो इधर अपन सिक्वेंस से नहीं चलकर पढ़ लेते तो डायरेक्ट 7 नंबर पर आ जाते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा किसे कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा। एंड उसी के बाद ही आप जो 8 नंबर पे क्वेश्चन देख सकते हैं, वालर नृत्य किस जाति से प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भील। एंड उसी के बाद जो आप 3rd नंबर पे देख सकते हैं, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से किस किले से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा रणथंबोर। एंड इसी के बाद जो आप देख सकते हैं कि जो 4th नंबर पे क्वेश्चन है, धानवन दुर्ग किसके बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तान के बीच। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटी। एंड उसी के साथ ये जो 5 नंबर पे आप देख सकते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1576 इसका आंसर हो जाएगा। एंड 10 नंबर पर आप देख सकते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बागड़ी। एंड इसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है अग्निकुंड से हुई है, तो इसका आंसर है कि श्री गौरीशंकर ओझा। एंड उसके बाद जो 11 नंबर पे आप सभी देख सकते हैं कि जो कौन से स्थल में धूलकोट भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। एंड उसके बाद जो आप देख सकते हैं 12 नंबर पे, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जननायक। एंड एकीकृत राजस्थान में निम्नलिखित में से मत्स्य संघ में शामिल नहीं था, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली। एंड उसके बाद 13 नंबर पर आप देख सकते हैं, गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन दबाने के लिए मानगढ़ का जनसहार किस वर्ष हुआ था, 1917 में। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 14 नंबर पर क्वेश्चन रहा, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रारंभ हुआ था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद 18 नंबर पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर है कि जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एंड उसी के साथ जो 15 नंबर पर आप देख सकते हैं, वह स्थान जो अपने मृद शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मालेला। एंड उसके बाद जो राजस्थान एकीकरण को 7 चरणों में कंप्लीट किया गया है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 16 नंबर पर, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी रतन शास्त्री। एंड जो 20 नंबर पर, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के प्रमुख बने, 1948। एंड उसके बाद 21 और 25 नंबर, तो जो मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, फेल्सपार के लिए। एंड 25 नंबर पर, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है, जो अंश है 38.11। एंड उसी के बाद जो आप देख सकते हैं 22 नंबर पर, जो जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो NH 11 का नया नाम है अब NH 76। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती, तो आंसर हो जाएगा इसका डूंगरपुर उदयपुर। एंड उसके बाद जो आप 23 नंबर पर देख सकते हैं, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, तो इसका हो जाएगा खड़ीन। एंड उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरा कबूतर के लिए। एंड जो 27 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती नदी। एंड 28 नंबर पर आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की सीमा संख्या है 5। एंड राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है, तो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोंक। एंड उसी के बाद ही आप सभी देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर राजपुरा दरीबा। एंड उसके बाद जो इंडो इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन सी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव
अभ्यारण्य से क्रियान्वित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। एंड जो 30 नंबर पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है, जयसमंद और राजसमंद। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। एंड उसके बाद जो 34 नंबर पर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो उदयपुर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं राजस्थान में सबसे प्रभावी प्रक्रिया है वनस्पति अवनयन। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 35 नंबर पे है कि राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सिरोही। एंड 38 नंबर पे राजस्थान के वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस एक जिले में किया गया था, तो जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं 39 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी भीड़ है जो प्रजाति भारतीय मरीनों के नाम से पाई जानी जाती है, तो इसका आंसर रहेगा चोकला। एंड उसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, तो इसका हो जाएगा समुंदर से दूरी। एंड निम्नलिखित इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ जिले की कौन सी बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं स्थित है, तो माही बजाज सागर जो परियोजना है जो प्रतापगढ़ एंड जो बांसवाड़ा के जो बीच में ही स्थित है। एंड इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर है, जामडोली उदयपुर। 45 नंबर पर आप देख सकते हैं राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है संतुष्टि, एंड जो कोटिसिस एक रोग एक प्रकार का है उपापचय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार का प्रसार संसाधन है, श्रव्य दृश्य। न्यू केस्टल बीमारी समानार्थी है गेम्बेरो। एंड नेक्स्ट आपका है कि गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जालरा पाटन के अंदर। एंड जो 48 नंबर पर आप सभी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वुंडन टंग कहलाती है, तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा बाद में, इसका कन्फ्यूजन है। एंड इसी के बाद जो 49 नंबर पर आप देख सकते हैं, लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है, तो इसका आंसर रहेगा टिटनेस। एंड जो 54 नंबर पर आप देख सकते हैं, उपकरणों को निसंकर्पित करने के लिए उत्तम विधि है ताप द्वारा निसंक्रमण। एंड जो 50 नंबर पर देख सकते हैं, इन बीमारियों में कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है, दुग्ध ज्वर। एंड जो पशु के शरीर का असाधारण गुहा जिसमें मवाद भर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एबिसिस। एंड जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो मेड़काउ नामक रोग किससे होता है, फफूंद से। एंड उसके बाद जो सींग रोदन के लिए कौन से रसायन काम में लेते हैं, केएच। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए काम में आता है, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा सूखने वाला निषेचक तत्व है, क्लोरोफार्म। जो क्लोरोफार्म अपन सूंघते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, तो कभी कभार ये जानवर को भी काम में लिया जाता है सूंघाने के लिए। एंड इसके बाद जो आप देख सकते हैं 18 नवंबर, अनावशोषित सूचर सामग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन। एंड अच्छी माइलेज का पीएच होता है 3.5 से 4.2। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो 63 नंबर पे पेरा किरेटोटिस नामक रोग सुअर किस खनिज तत्व की कमी होता है, तो जिंक की कमी से ZN। एंड उसी के बाद जो नेक्स्ट है कि ओकटेलव में बाप का दाप होता है 15 पाउंड। एंड जो नेक्स्ट हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अच्छा स्रोत है, मक्का। एंड जो 60 नंबर पर आप देख सकते हैं, तेज धारदार हथियार वाला गाव कहलाता है एब्रेजन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमिन। एंड जो 61 पे है, कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है मोच। एंड सुबाबल में कौन सा विषैला तत्व होता है, मीमोसिन। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है 100 ग्राम शरीर का भार। एंड जो बकरी का गर्भकाल कितना होता है, 155 दिन। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं 68 पे, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्नलिखित में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है, 4%। एंड जो भेड़ के समागम के लिए किया जाने वाला है, तो इसका हो जाएगा टैपिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 69 पे, निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए। सुअर का मांस कहलाता है पोर्क। एंड जो नेक्स्ट आप सभी देख सकते हैं कि जो भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे की जैसा पाया जाता है, तो भदावरी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आप सभी को पता है बीकानेर के अंदर है, जो केमल रिसर्च है, रिसर्च सेंटर बीकानेर के अंदर। एंड जो आप देख सकते हैं जो सेंटीग्रेड को फेरेनहाइट में परिवर्तित करने का फॉर्मूला, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, जो सेंटीग्रेड अपॉन 5 × 9 + 32। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है, यूरेसिल। एंड 80 पे आप देख सकते हैं, डीएनए से आरएनए बनाना कहलाता है ट्रांसलेशन। एंड उसके बाद जो मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है, 107 फ़ारेनहाइट। एंड जो अनुवांशिकी की
भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है जीन। एंड जो शाहीवाला निम्नलिखित में से किस पशु की नस्ल है, गाय की। एंड जो निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं अंतः प्रजनन। एंड जो 2N+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है ट्रिपोलोइडी ट्रिपोलोइडी। एंड जो गाय में गुणसूत्रों की संख्या का इसका दोस्त मुझे अभी बता दूंगा, कंफर्म नहीं है। एंड जो आप देख सकते हैं 84 पे एक मादा जनन कोशिका में कितने अणुसूत्र बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। गाय में किस प्रकार की अपरा पाई जाती है, तो कोटिलिडनरी। एंड उसी के बाद जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी का जनक कहलाता है, तो मेंडल अनुवांशिकी का जनक कहलाता है। एंड उसके बाद जो 90वें नंबर पर है, कौन सा भाग अंडवाहिनी नहीं है, सर्विक्स। एंड जो नेक्स्ट है आपका 86 में नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्षण के अंदर। एंड वीर्य को उपस्थिति शर्करा का नाम है लैक्टोज। एंड जो भेड़ में मधुचक्र की अवधि कितने दिन की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 दिन। एंड जो बकरी के ब्याने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी कीड़िंग। जो बकरी का ब्याने की प्रक्रिया रहती है गर्भधारण की, तो उसका हो जाएगा आपका कीड़िंग। एंड नेक्स्ट आपका है कि जो किस पशु में मध्य चक्र से पहले रक्तस्राव होता है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतिया। एंड जो दुग्ध सरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, 93वें नंबर पर है, तो उसके ऑप्शन क्लियर नहीं है दोस्तों। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं 94 सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। एंड दोस्तों अगर मुझे कुछ क्वेश्चन गलत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उन सभी को सुधार सकूं। एंड सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है आपकी पेनिसिलिन। एंड जो 98 नंबर पर आप देख सकते हैं नीला तोता होता है आपका, किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। एंड उसी के बाद आप देख सकते हैं 95वें नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है, एम्पीसिलिन। एंड उसी के बाद आप देख सकते हैं कि जो आर्सेनिक का एटीडोड सोडियम सल्फेट। एंड निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ बनाई जाती है चमड़ी के नीचे की दवाइयाँ दी जाती है चमड़ी के नीचे, इसका आंसर हो जाएगा 100 नंबर पर। बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि का मात्रा का अध्ययन कहलाता है, उसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पोसोलॉजी। पोसोलॉजी होता है, तो ये जो एग्रीकल्चर जिन्होंने करते हैं उन सभी को पता ही होगा। तो उसी के साथ जो 97 पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार उतारती है, तो इसका हो जाएगा पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल अपन सभी यूज़ लेते हैं टेम्परेरी पेन के लिए एंड जो अदर बीमारी के लिए। एंड 101 नंबर पर आप देख सकते हैं जो टीस्पून फुल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है, तो इसका हो जाएगा 20 ml। एंड जो जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है, कुत्ते के अंदर। एंड जो मुर्गी में सत्य आवास्य होता है प्रोवेंट्रिकुलस। एंड जो आप 103 नंबर पर देख सकते हैं घोड़े में कितनी जोड़ियां पसलियां पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। प्रथम जीवा केशरिका को कहते हैं एटलस। एंड 104 नंबर पर देख सकते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, पीला को। एंड जो पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है संधि विज्ञान। एंड जो आप देख सकते हैं 105 नंबर पर किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, कुत्ते के अंदर। एंड जो वक्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक संरचनात्मक इकाई है, नेफ्रॉन। एंड उसके बाद 106 नंबर पर आप देख सकते हैं कि जो रुममंदी पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते का आकार हो जाए, तो रेटिकुलम। एंड 111 पर आप देख सकते हैं कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। जैसे अपन 5वीं से 6ठी क्लास में हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, जो आज तक याद है, कोशिका का जो पावर हाउस है शक्तिग्रह माइट्रोकॉन्ड्रिया। एंड जो आपका 112 पर है कि कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। एंड जो एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अणु ऑक्सीजन का। एंड जो आप देख सकते हैं 113 पर मुर्गियों की आवाज़ में उत्पन्न करने वाला अंग है सिरिंक्स। एंड उसी के साथ आप देख सकते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट विजुअल, प्रक्षेपित दृश्य। एक नर जनन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। एंड 115 पर आप सभी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, रक्त का कौन सा सीरा परिवहन करती है, तो इसका हो जाएगा पल्मोनरी वेन। एंड जो महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करौली के अंदर। एंड जो आरबीएससी का जीवन काल कितना होता है, 120 साल। एंड राजस्थान के कितने राज्य स्तरीय पशु मेले
आयोजित किया जाता है, तो इसके अंदर हो जाएगा 10। तो ये 120 क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के साथ, एंड मैं जल्दी इन सभी की जो PDF लिंक भी आप सभी को भेज दूंगा। एंड माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ ये क्वेश्चन गलत हुए तो उन सभी के लिए माफ़ करना, एंड आप कमेंट करके बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लगा। एक बार मैं फिर से स्क्रोल कर रहा हूँ, आप सभी देख लीजिएगा दोस्तों, ये आज का पेपर हुआ था जो पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। तो आप सभी के लिए आपने कहा था कि मैं आप सभी के साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर करूं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, आप सभी देख लीजिएगा। एंड जैसे कुछ और भी मैं PDF फाइल बनाकर आप सभी को बता दूंगा, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो से काम चला लीजिए, एंड जल्दी मैं PDF की लिंक बनाकर आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँगा। ठीक दोस्तों, तो आप सभी देख लीजिएगा ये पेपर है, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है बोलने में जल्दी जल्दी, तो ये क्वेश्चन पेपर आज का तो देख लीजिएगा दोस्तों आप सभी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा, तो थैंक यू एंड धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।